हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता झांसी की रानी की समाधि पर का अगला पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करने का तरीका और लिखने का तरीका। तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, यहाँ पर जो आप पद्यांश देख रहे हैं, यह बोर्ड परीक्षा 2011 से लगातार 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। इसका यदि आपने संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देख लीजिए। आज का पद्यांश है बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। और यह पद्यांश बोर्ड परीक्षा 2011 और 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे, तो चलिए मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका, क्योंकि पद्यांश से आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से लिख देना है पद्यांश की प्रथम लाइन में से 2 या 3 शब्दों को और पद्यांश की अंतिम लाइन के 2 या 3 शब्दों को। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी को आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है, के काव्यखंड, काव्यखंड को भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है, में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर, और कविता का नाम क्या है झांसी की रानी की समाधि पर, इसे भी आप ब्लैक यानी काले पेन से लिखेंगे। शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। झांसी की रानी की समाधि पर कविता के रचनाकार कौन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनका नाम भी आप काले यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब आप इस पद्यांश की व्याख्या कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आसान शब्दों में बता दूं आप व्याख्या कैसे करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा आप व्याख्या कैसे लिखेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपको व्याख्या मैं रटाऊंगा नहीं, बल्कि आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रण में यानी युद्ध में जब कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है, बलिदान कर देता है अपने प्राणों को, तो उसका मान उसका सम्मान बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, कवित्री का कहना है कि जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई तो उनका मान और सम्मान उसी प्रकार से बढ़ गया जिस प्रकार से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, कि मूल्यवान होती है सोने की भस्म यानी सोने से भी अधिक मूल्यवान सोने की भस्म होती है, सोना नहीं होता है। रानी से भी अधिक हमें अब, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक हमें उनकी यह समाधि प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्त की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, आप व्याख्या कैसे लिखेंगे सबसे आसान शब्दों में।
सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, फिर आपको व्याख्या में कैसे लिखना है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कवियत्री कहती हैं कि स्वतंत्रता पर बलि होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है और मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, कि रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान हुई अतः उनका सम्मान उसी प्रकार और भी अधिक बढ़ गया जैसे कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। स्वर्ण भस्म जो होती है अधिक मूल्यवान होती है और रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्त की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है और यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। अब आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य और पहली ही लाइन आपको लिखना है जो आपके पद्यांश में बताया गया, जिसके बारे में कवित्री ने बताया है कि कवित्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्त की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए युवकों का आह्वान किया है। और इस पद्यांश की भाषा क्या है? भाषा है खड़ी बोली। किस भाषा में लिखा हुआ है पद्यांश? खड़ी बोली में लिखा हुआ है। रस कौन सा है इस पद्यांश में? वीर रस की अनुभूति होती है, वीर रस से ओतप्रोत कविता है। और अलंकार कौन सा है? रूपक और अनुप्रास अलंकार है। शैली कौन सी है? आख्यानक गीत शैली है। और इस तरह से आप काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे, व्याख्या कर देंगे और संदर्भ लिख देंगे, आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आप लिंक चेक कर लीजिएगा। इसके पहले का पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य मैंने सबसे आसान शब्दों में बताया है, आप वहाँ से जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना और अपने माता पिता व परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।